दोस्तों, आज अपने गुणखंड करेंगे, यानी गुणखंड की एक लंबी सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको जो भी सवाल देखना हो, सवाल को आप लिखिए, वो सवाल आप गुणखंड का वो सवाल आपके सामने होगा। अब अपने दूसरा सवाल करते हैं, अपने एक्स की स्क्वायर प्लस 5x-24, ये अपने गुणनखंड इसका करना है। सबसे पहले बाहर बार बड़ों को देखो, बाहर बार बड़ों को गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो x की स्क्वायर इंटू माइनस 24, तो ये हो गया -24x की स्क्वायर। अब ध्यान रखना, अपने पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इसके दो टुकड़े होंगे, बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा और छोटा टुकड़ा माइनस का होगा, और दोनों टुकड़े आपस में घटेंगे, दोनों टुकड़े आपस में घटेंगे। उसी हिसाब से अपना टुकड़ा करना, देखो अपने सीधा 24 रख लेते हैं, एक बार 24 के टुकड़े करेंगे, तो पहला देखो 2 × 12, 12 × 24। अब इसी किसी को भी अपने बड़े को प्लस का लेना तो बड़े को प्लस का लेंगे, छोटे को माइनस का लेंगे, तो 12 में से 2 गया 10, अपना ये 5 वाला नहीं आ रहा है। अब अपने 24 को दूसरा टुकड़ा करते हैं, अपने 6 × 24, बड़े को प्लस का लें, छोटे को माइनस का लें, 6 × 24 माइनस के हो गए, लेकिन इनको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 2 आ रहा है, अपना नहीं आया। तीसरा अपने करेंगे 24 का 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, ठीक है, 3 × 8 = 24 करेंगे, तो अब अपने 8 × 3 = 24, बड़े को प्लस का लेंगे, छोटे को माइनस का, 3 × 8 = 24, माइनस के 24 आ गए। अब इनको आपस में घटेगा तो प्लस के 8 में से माइनस के 3 गए, प्लस के 5 आ गए, अब ये भी अपना 5 है और यहाँ भी प्लस का 5 है, तो इसके साथ में x रख देते हैं, ये भी x हो और ये हो गया x की स्क्वायर। अब ये जो दोनों आए, इन दोनों को अपने इस 5 के स्थान पे रख देते हैं, देखो x की स्क्वायर, फिर देखो कोई से भी रख लो, माइनस का 3x प्लस का 8x माइनस 24 आ गए। अब दो दो के समूह बनाओ, आप ऐसे दो का समूह बना लिया, एक ये बन गया। अब इनमें से अपने को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे अपने, तो इसमें पहले में देखो कॉमन 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ये एक्स को कॉमन लिया, यहाँ एक्स 2 बार था, 1 बार बच गया, यहाँ से 1 ही बार था, बाहर चला गया, माइनस का 3, ये चिन्ह प्लस का है, ये देखो यहाँ एक्स है, यहाँ भी नहीं है, तो एक्स तो कॉमन निकलेगा नहीं। अब देखते हैं इन दोनों में किसी एक का भाग जाता है क्या, 8 का भाग 8 में जा रहा है और 8 का भाग 24 में भी जा रहा है, तो अपने 8 को कॉमन निकालते हैं, ये 8 को कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का मतलब ही भाग देना होता है, देखो 8x में 8 का भाग देंगे, 8 से 8 कट गया, x बच गया, यहाँ x हो गया माइनस। अब अपने 24 में 8 का भाग हो, 3 × 8 = 24, ये हो गया। अब अंदर वाले दोनों देखो, ये दो गुणखंड अपने एक जैसे आ गए, तो x प्लस 3 और दूसरा बाहर वाला मिला के लिख दो, ये x और ये प्लस का 8, एक्स प्लस 8, इस प्रकार से इसके दो गुणखंड हो गए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।